हेलो गाइस, कैसे हो सभी। वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बीएससी केमिस्ट्री 2023 एग्जाम की तैयारी कैसे करें, वन मंथ में कैसे आप बीएससी केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, वो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। यहाँ पर मैं आप लोगों को ऐसे ऐसे टिप्स और ट्रिक्स बताने वाली हूँ जो कि आपके इस साल एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो वीडियो का लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, तो मैं आप लोगों को बता दूं गाइस कि हमारे चैनल पर बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों ईयर का केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट सिलेबस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री के सारे वीडियो लाइन से देख सकते हो। बहुत इजी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है और काफी अच्छे नोट्स भी बने हुए हैं, तो आप वहां पर जाकर के सारे नोट्स को आप लोग आसानी से देख सकते हो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। काफी सारे स्टूडेंटों का मेरे पास मैसेज आया था कि केमिस्ट्री की तैयारी कैसे करें, केमिस्ट्री की तैयारी कैसे करें, क्योंकि अब एग्जाम को ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। मुश्किल से 1 से 2 मंथ का ही टाइम बचा हुआ है, फिर आपके एनुअल एग्जाम अब स्टार्ट होने वाले हैं। तो इस सिचुएशन में कैसे आप लोग तैयारी कर सकते हो, तो चलिए सबसे पहले नंबर का टिप्स यहां पर आप लोग देख लीजिए। हर एक टिप्स को हम लोग थोड़ा डिटेल में देखेंगे और यहां मैं जितने भी टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी ना गाइस, वो आप लोग अच्छे से फॉलो करना। सबसे पहला तो ये है कि केमिस्ट्री को, खासकर बीएससी केमिस्ट्री को हल्के में ना ले। जी हाँ, अब थोड़ा सा अजीब लगेगा आपको, लेकिन यहां पर मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। हल्के में ना ले। अब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना जो ये सोचते हैं कि भाई केमिस्ट्री तो इजी है, एग्जाम के एक दो दिन पहले पढ़ लेंगे। तो गाइस ये सबसे बड़ी आपकी गलत फहमी है। ठीक है, केमिस्ट्री इजी मैं मानती हूँ, लेकिन एकदम से भी आप एग्जाम के लिए उसको मत छोड़ो, क्योंकि केमिस्ट्री का रिएक्शन आपको पता ही है, क्योंकि केमिस्ट्री को बेवफा सब्जेक्ट भी बोलते हैं ना। और रिएक्शन को अगर आप ठीक से प्रैक्टिस नहीं करोगे, अगर उसको बार बार लिख लिख के नहीं देखोगे, उसको अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे, अच्छे से रिविजन नहीं करोगे, फिर डेफिनेटली आप एग्जाम में जाकर उसको भूल जाओगे। इसलिए अगर आपके पास 15 दिन का भी टाइम बचा है, 1 मंथ का भी टाइम बचा है, तो केमिस्ट्री का प्रैक्टिस कर लो। एकदम से उसको एक दो दिन के लिए वहां पर मत छोड़ो एग्जाम के दिन में, क्योंकि एक दो दिन में नहीं होने वाला है केमिस्ट्री। इसलिए अभी से आप लोग केमिस्ट्री का प्रिपरेशन करना चालू कर दो, क्योंकि अगर आप केमिस्ट्री पर अच्छे से ध्यान देते हो, केमिस्ट्री में थोड़ा सा भी मेहनत करते हो ना, तो ये आपके अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। आपके परसेंटेज अच्छे बनाने में केमिस्ट्री का काफी ज्यादा रोल रहता है। अब चलिए सेकंड नंबर में यहाँ पे आपको कुछ चीज बताने जा रही हूँ। 1 मंथ में केमिस्ट्री नहीं हो पाएगा। ऐसा बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि 1 मंथ का टाइम हो गया, बचा हुआ है, तो केमिस्ट्री हम नहीं कर पाएंगे। तो ये आपकी सबसे बड़ी गलत फहमी है। बिल्कुल, अगर आप 1 महीने भी अच्छे से पढ़ाई करते हो, इवन अगर आप 15 दिन भी अच्छे से पढ़ाई करते हो ना, आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री आराम से हो जाएगा। लेकिन जरूरी है आपके फुल कॉन्सेंट्रेट की और आपके पॉजिटिव थॉट की। अगर आप निगेटिव सोचोगे कि भाई हमसे नहीं हो पाएगा, तो फिर वो डेफिनेटली नहीं होगा। और अगर आप सोचोगे कि हाँ मेरे से हो जाएगा, तो फिर वो आप 10 दिन में भी केमिस्ट्री की तैयारी कर सकते हो। तो ये आपके मन से निकाल दो कि मैं साल भर पढ़ाई नहीं किया हूँ, मेरे को एग्जाम को अब आने वाले हैं, तो फिर मैं कैसे पढ़ूंगा, ये मेरा साल तो पूरा बर्बाद हो चुका, अगले साल अब मैं अच्छे से पढ़ूंगा, इस साल मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ। तो ऐसा मत कीजिए गाइस। अगर 15 दिन भी आपके पास समय है ना, तो उस बीच में भी आप केमिस्ट्री की तैयारी आराम से कर सकते हो। वैसे भी अभी आपके एग्जाम को तो 1 से 2 मंथ का टाइम बचा ही हुआ है, इस बीच आराम से आप केमिस्ट्री की तैयारी कर सकते हो। क्योंकि मैं ये पॉइंट इसलिए लिखी हूं ना, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बच्चे लोग का मैसेज आता है, मैम सेकंड ईयर तो हम लोग अब ठीक से पढ़े नहीं थे, शुरू से हमको पढ़ना था, तो अब हम लोग थर्ड ईयर को अच्छे से पढ़ेंगे, 2 महीने में क्या ही उखाड़ लेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है गाइस। इवन आपके पास 15 दिन का भी टाइम बचा है ना, तो आप उसमें तैयारी कर सकते हो। मेरे पास एक स्टूडेंट का मैसेज आया था, पिछले साल की बात बता रही हूँ, थर्ड ईयर के स्टूडेंट था, अब तो अभी वो बीएड वगैरह कर रहा है। तो वो जो स्टूडेंट है ना, वो केवल 15 दिनों में, मात्र 15 दिनों में वो केमिस्ट्री की तैयारी किया था। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट से ही वो पढ़ा था और उसका बीएससी में कम से कम 78% बना था, और अभी उसका गवर्नमेंट बीएड कॉलेज में एडमिशन भी हो चुका है। तो अगर आप मेहनत करोगे, अगर आप पॉजिटिव सोचोगे, तो बिल्कुल आपका हो जाएगा तैयारी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, है ना। तो निगेटिव चीज आपको नहीं सोचना है, बस पॉजिटिव चीज सोचना है और आपको अच्छे से मेहनत करना है। तो ये हुआ गाइस मेरा सेकंड नंबर का टिप्स। अब चलिए थर्ड नंबर का टिप्स मैं आप लोगों को यहाँ पर देना चाहती हूँ। एटलीस्ट 3 से 4 घंटे पढ़ाई करना चालू कर दो। किसको? केमिस्ट्री को। 3 से 4 घंटे केमिस्ट्री को देना चालू कर दो, क्योंकि अगर आपके एग्जाम को 15 दिन बचे हैं, 1 मंथ का टाइम बचा है, तो कम से कम तो आपको 3 से 4 घंटा केमिस्ट्री को पढ़ना पड़ेगा गाइस। और सबसे बेस्ट टाइम मैं आप लोगों को बता रही हूँ केमिस्ट्री पढ़ने का, या तो आप मॉर्निंग में पढ़ सकते हो, जो बच्चे सुबह जल्दी उठते हैं उनके लिए भी बता रही हूँ, और जो बच्चे सुबह नहीं उठ पाते हैं उनके लिए भी मैं बेस्ट टाइम बता रही हूँ, खास करके केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए। अगर आप सुबह उठते हो, तो ये जो 4 से
आठ वाला जो टाइम रहता है ना वो गोल्डन टाइम रहता है गाइस। इस समय अगर आप इस टाइम को अगर आप यूटिलाइज कर लिए खासकर केमिस्ट्री के लिए, तो फिर आपसे कोई नहीं जीत पाएगा, क्योंकि केमिस्ट्री में ऐसे ऐसे रिएक्शन है ना जिसको हम लोग भूल जाते हैं। तो सुबह का टाइम ऐसा रहता है ना कि माइंड बहुत ज्यादा फ्रेश रहता है, और इस बीच अगर हम कुछ भी चीज़ को याद करते हैं ना तो उसको जल्दी से हम लोग भूलते नहीं है। तो अगर जो भी बच्चा इस समय जल्दी उठ करके इस टाइम को यूटिलाइज कर लिया, तो फिर उसके केमिस्ट्री में कम नंबर आ ही नहीं सकते। अब सेकंड चीज ये, काफी सारे बच्चे बोलेंगे कि सुबह तो हम उठते नहीं है, रात में भले पढ़ाई कर लेंगे। तो रात के लिए मैं बेस्ट टाइम बता रही हूँ आपका 9 से 12। जो बच्चे एकदम रात में पढ़ने के आदि है 9 से 12 पढ़ो, 12 के बाद मत जगो, क्योंकि 12 के बाद अगर आप डेली रात में जगते रहोगे तो मे भी आपका तबियत खराब होने के चांसेस हैं, क्योंकि आपको 12 बजे के बाद सो जाना चाहिए। 4 से 5 घंटा भी अगर आप सोते हो एग्जाम के टाइम में तो फिर वो बहुत है, और सुबह कोशिश करो जल्दी उठ जाओ। तो अगर आप रात में पढ़ने वाले बच्चे हो तो 9 से 12 अगर 3 घंटे भी अगर आप केमिस्ट्री को टाइम देते हो, क्योंकि ये ऐसा टाइम है ना जिसमें थोड़ा सा शांति माहौल रहता है, एक तो सुबह सुबह शांत माहौल रहता है, एक तो रात के समय भी थोड़ा सा शांति रहता है। तो इस बीच अगर आप किसी भी ऐसे सब्जेक्ट हो जिसमें आप कमजोर हो या फिर वो सब्जेक्ट आपको ज्यादा हार्ड लगता है, तो इस समय में आप किसी भी सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ोगे तो फिर वो ज्यादा आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। तो अभी से मैं बोल रही हूँ गाइस कि केमिस्ट्री को कम से कम 3-4 घंटे पढ़ाई करना चालू कर दो, और आप इस 3-4 घंटे जो भी पढ़ते हो ना उसको फुल कॉन्सेंट्रेट के साथ पढ़ना है। ऐसे नहीं कि 3-4 घंटे पढ़ रहे हो मोबाइल पकड़े हो या फिर उसमें कुछ और चीजें देख रहे हो, ये चीज आपको नहीं करना है, फुल कॉन्सेंट्रेट के साथ आपको पढ़ाई करना है। तो ये है गाइस मेरा थर्ड नंबर। अब गाइस चौथे नंबर का मेरा टिप्स यहाँ पे देखो, कोरोना दीदी के चक्कर में ना रहे। अब मेरे को मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मेरे पास ना बहुत सारे बच्चे लोगों का मैसेज आया हुआ था, कि मैम कोरोना फिर से आ रहा है, क्या फिर से हम लोग का ऑनलाइन एग्जाम होगा। तो गाइज आप लोग इस चक्कर में मत रहो कि कोरोना आ रहा है या फिर ऑनलाइन एग्जाम होगा, क्योंकि कोरोना अभी चाइना में आया हुआ है। जो भी न्यूज़ में आप लोग खबर वगैरह देख रहे हो वो सब अभी चाइना का न्यूज़ है ना, इंडिया में अभी नहीं आया हुआ है। तो अभी ऐसा नहीं है कि एकदम से ऑनलाइन एग्जाम होना आपका चालू हो जाएगा। उस चक्कर में आप अपना पढ़ाई लिखाई बंद मत करो, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे भी है ना जो इसी कोरोना के चक्कर में पढ़ाई लिखाई अब बंद कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऑनलाइन एग्जाम के चक्कर में मत रहो, ऑफलाइन एग्जाम होगा और अच्छे से अभी से तैयारी करना चालू कर दो, क्योंकि गलती से अगर आपका ऑफलाइन एग्जाम शुरू हो गया ना फिर आपको पढ़ने का बिल्कुल टाइम नहीं बचेगा। इसलिए कोरोना के चक्कर में मत रहो, अपनी तैयारी पूरी रखो, ठीक है गाइस। अब चलिए अगले नंबर का, अब चलिए पांचवें नंबर का यहां पे टिप्स देख लो, नोट्स अभी से बना लो। क्योंकि देखो केमिस्ट्री का बुक तो आप देखे ही होगी, इतना मोटा मोटा बुक है, और एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा 1-2 दिन का टाइम मिलता है, तो उस बीच हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है भाई कि हम पूरा बुक को वहां पे पढ़ ले, है ना, पूरी बुक की रिवीजन कर ले, इतना टाइम नहीं होता है। तो अगर अभी आपके पास टाइम बचा हुआ है, अगर आप मेहनत करोगे तो 1 मंथ में भी आपका पूरा नोट्स बन जाएगा। आपको मेरा वीडियो देखना है और देख देख करके आपको नोट्स लिखना है। नोट्स लिख लिए रहोगे ना तो एग्जाम के दिन के लिए बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा, क्योंकि नोट्स जो मैंने प्रिपेयर किए हुए बहुत ईजी लैंग्वेज में प्रिपेयर किए हुए, एक बार आपको केवल उसको देखना है, देखते साथ ही आपको वो चीज याद हो जाएगा गाइस। तो अभी तक बहुत सारे बच्चे नोट्स प्रिपेयर कर चुके हैं। अगर अभी तक आप अभी नोट्स नहीं बनाए हो तो अभी भी आपके पास बहुत टाइम है। नीचे प्लेलिस्ट का लिंक मैं सभी का दे करके रखी हुई हूँ, आप लिंक में क्लिक कीजिए और वहां से जाकर के आप नोट्स बनाना चालू कर दीजिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। या फिर आपके पास नोट बनाने का टाइम नहीं बचा हुआ है तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर में आकर के डायरेक्ट आप नोट्स पीडीएफ परचेज भी कर सकते हो, है ना। तो आप लोग देख लीजिए आप लोग क्या करोगे, अगर आप मेरे वीडियो देख करके भी नोट्स बनाते हो तो वो भी बहुत अच्छी बात है। तो अभी से नोट्स वगैरह बना लो गाइस, क्योंकि एग्जाम के दिन में भी बिल्कुल टाइम नहीं होता है ना, तो अभी से नोट्स वगैरह बना लोगे तो एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। अब चलिए छठवें नंबर का टिप्स केमिस्ट्री के लिए मैं बता रही हूँ, रिवीजन करो। देखो केमिस्ट्री में ना रिवीजन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अभी मैं अपने कम्युनिटी में भी डाली हूँ, एक बच्ची का मैसेज आया हुआ था और मतलब उसने मुझे बताया कि केमिस्ट्री का उसका 2 क्वेश्चन छूट गया। क्यों छूट गया? क्योंकि वो रिवीजन नहीं की थी। हालांकि उसको पढ़ी जरूर थी वो, लेकिन उसको रिवीजन नहीं की थी। अगर आप यहाँ पे समझ सकते हो कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए रिवीजन करना कितना ज्यादा जरूरी है। मानती हूँ आप उस टॉपिक को पढ़ चुके हो, उस चैप्टर को आप पढ़ चुके हो, लेकिन अगर आप उसको रिवीजन नहीं किए ना तो फिर वो नहीं के बराबर है केमिस्ट्री में। क्योंकि आपको पता है केमिस्ट्री में ऐसे ऐसे रिएक्शन है, इतने बड़े बड़े एक एक दो दो पेज के रिएक्शन है जिसको हम लोग भूल जाते हैं एग्जाम में जाकर के। तो इसलिए भूलते हैं गाइस क्योंकि हम लोग रिवीजन नहीं करते। अगर आप केमिस्ट्री को अच्छे से रिवीजन करोगे, डेली रिवीजन
लर्न करोगे तो फिर आप केमिस्ट्री को कभी नहीं भूलोगे। तो अगर आपसे एक यूनिट हो जाता है तो एक यूनिट करने के बाद उसको रिवाइज करो, दो यूनिट हो जाता है दो यूनिट करने के बाद पहला और दूसरा यूनिट को फिर से रिविजन करो, रिविजन करते रहो। जितना ज्यादा रिविजन करोगे केमिस्ट्री को भूलने के चांसेस आपको उतना ही ज्यादा कम रहेगा। ठीक गाइस, अब चलिए सातवें नंबर का टिप्स बता रही हूँ मैं आप लोगों को, अनसॉल्व्ड या फिर ओल्ड क्वेश्चन पेपर, अनसॉल्व्ड या फिर ओल्ड क्वेश्चन पेपर। अगर आपके पास अनसॉल्व्ड है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो अभी मार्केट में नया वाला आया होगा उसको जाके खरीद लो। अगर आप नहीं खरीद पा रहे हो तो अगर आप अपने कॉलेज के लाइब्रेरी में भी जाओगे ना तो वहां पर भी आपकी यूनिवर्सिटी के अनसॉल्व्ड वगैरह रहते हैं, वहां से आप जाकर के फोटो के क्लिक करके आ सकते हो। तो अनसॉल्व्ड देखना इसलिए जरूरी है पुराने क्वेश्चन पेपर, क्योंकि कई बार बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। और अगर आप अनसॉल्व्ड के 5 साल पुराना क्वेश्चन पेपर भी अगर आप तैयारी करते हो तो आप केमिस्ट्री में एटलीस्ट पास तो हो ही जाओगे, पास के अच्छे नंबर से आप पास हो जाओगे, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन पुराने साल के रिपीट होते हैं केमिस्ट्री में, खासकर जो रिएक्शन वगैरह है ना वो तो बहुत ही ज्यादा। इसलिए अनसॉल्व ले लो गाइज या फिर कहीं से देख लो, ओल्ड क्वेश्चन पेपर वगैरह बहुत जरूरी है बीएससी के लिए, है ना। ये तो हुआ गाइज अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर। अब अगला टिप्स यहाँ पे मैं आप लोगों को बताया, अब चलिए अगला यहाँ पे देखो परीक्षा सार। अब परीक्षा सार न्यू देखो, कभी से बच्चे मुझे मैसेज किए थे कि परीक्षा सार कैसा रहेगा, परीक्षा बोर्ड कैसा रहेगा। तो देखो गाइज परीक्षा बोर्ड अगर आप एकदम नया वाला खरीदते हो ना, क्योंकि देखो कभी ना कभी तो थोड़ा बहुत सिलेबस वगैरह चेंज होते रहता है ना, तो कोशिश करो जो अभी दिसंबर जनवरी में तो नया वाला परीक्षा बोर्ड आ जाता है उसको परचेस कर लो। क्यों परचेस कर लो, अभी मैं क्यों बोल रही हूँ परचेस करने के लिए, आपके पास बुक है वो अच्छी बात है, अगर आप बुक से पढ़ते तो वो भी अच्छी बात है। लेकिन परीक्षा सार में ये फायदा रहता है ना गाइस कि जो पुराने क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हो गया, छोटा छोटा क्वेश्चन हो गया, वो परीक्षा बोर्ड में बहुत अच्छे से दिया रहता है। क्योंकि परीक्षा सार में देखना उसमें सन वगैरह भी दिया रहता है कि ये सन में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन वहां पे आपको अच्छे से मिल जाएगा, वहां पर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी अच्छे से मिल जाएगा। तो अगर आप खरीद पाओगे तो इसको खरीद लेना परीक्षा सार को, ये भी अच्छा रहता है। मैं इसलिए इसको बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे को मैसेज किए थे कि परीक्षा बोर्ड से पढ़े कि नहीं पढ़े, बहुत अच्छा क्वेश्चन उसमें भी रहता है। कोशिश करो परीक्षा बोर्ड से जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन रहता है ना उसको पढ़ो, और जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो मैं नोट्स बनाई हूँ वो आप लोग देख लेना, क्योंकि मेरे चैनल पर तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन ज्यादा है, शॉर्ट टाइप में उतना ज्यादा नहीं बताई हूँ। तो शॉर्ट टाइप को आप परीक्षा बोर्ड से पढ़ लेना, है ना, ये भी अच्छा रहता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, है ना परीक्षा बोर्ड में। लेकिन कई बार परीक्षा बोर्ड में थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक वगैरह रहता है तो थोड़ा बुक से भी पढ़ना, क्योंकि बहुत सारा उसमें कुछ कुछ मिस्टेक भी रहता है ना। अब चलिए नौवें नंबर का यहाँ पे देखो, लिख लिख करके देखो। देखो गाइस केमिस्ट्री ऐसा है ना जिसको ऐसे हवे में पढ़ोगे तो नहीं होगा, क्योंकि अगर आप ऐसे बुक को पढ़ लिए हो सो के लेटे हो और ऐसे पढ़ रहे हो तो नहीं होगा। जैसे मैथ्स को आप लिख लिख कर देखते हो, फिजिक्स को लिख लिख करके देखते हो ना, केमिस्ट्री को लिख लिख करके देखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ऐसे रिएक्शन है जिसको आप लिख के प्रैक्टिस करोगे तो फिर वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इसलिए केमिस्ट्री को लिख लिख करके देखना चालू कर दो गाइस, है ना। चलिए ये तो हुआ नौवें नंबर का। अब दसवें नंबर का टिप्स यहाँ पे लास्ट टिप्स मैं बता रही हूँ, मेहनत करना चालू कर दो, मेहनत करना स्टार्ट कर दो गाइस, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा हुआ है। जितना मस्ती करना था आप लोग कर लिए, है ना, जितना टाइम पास करना था कर लिए, जितना दुनिया भर का ऐप चलाना था आप लोग चला लिए, लेकिन अब टाइम नहीं बचा हुआ है। ये आपका गोल्डन टाइम है, जो भी एक महीने का टाइम बचा है, दो महीने का टाइम बचा है, जितना भी 15 दिन का टाइम बचा है, इवन एक हफ्ते का टाइम बचा है, इस टाइम को अगर आप यूटिलाइज नहीं किए ना तो आगे जाके बहुत पछताओगे। क्योंकि बीएससी के बाद चाहे अगर आप एमएससी के लिए फाइट करो, चाहे किसी भी चीज के लिए फाइट करो, भाई बीएससी का परसेंट बहुत मायने रखता है। ये मत सोचो कि अब तो पूरा कॉम्पिटिशन एग्जाम होता है, फिर परसेंट ला के क्या करेंगे, ऐसा है वैसा है, मत सोचो ऐसा। क्योंकि इस बीएससी में अगर आपका परसेंट डाउन हुआ ना तो फिर आप कहीं के नहीं रहोगे, मैं सच में बता रही हूँ। इसलिए अभी से जितना मेहनत करना है, जितना स्मार्ट वर्क करना है, जो करना है करो, लेकिन पढ़ाई करो, है ना। कहीं से भी पढ़ना जरूरी नहीं है, आप मेरे चैनल से मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कहीं से भी हो लेकिन आप पढ़ाई करो, बस यही मैं चाहती हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ो, है ना। और एक चीज और, मेरे जो फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट थे ना उसमें से मैक्सिमम बच्चे पास हुए हैं, बहुत अच्छा अच्छा परसेंट आया है। तो आप लोग बेफिक्र होकर मेरे चैनल से आप लोग पढ़ाई कर सकते हो गाइस। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप जितने भी मैं यहाँ पे 9-10 टिप्स बताई हूँ, 10 टिप्स बताई हूँ, उसको अच्छे से फॉलो करो, अच्छे से पढ़ाई करो, और मुझे कमेंट करके आप जरूर बताओ कि आपको वीडियो आज का कैसा लगा, आप मोटिवेट हुए कि नहीं हुए, और आपकी तैयारी कैसे चल रही है, सब चीज मुझे आप कमेंट करके जरूर बताओ, मैं सबका कमेंट पढ़ती हूँ। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल।